अब कोई राह भी आसान नहीं देखने में, देखते रहते हैं और ध्यान नहीं देखने में। छेड़ के जंग इलेक्शन जो जीतना चाहे वो यकीनन कोई इंसान नहीं देखने में। जो जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जहाज लेके आया तो पकड़ा गया कोई, ये रंगीनी है नौबहार, दुश्मन है बोखलाहट का शिकार। हम की ख्वाहिश को ना समझा जाए कमजोरी, अब तशरीफ ला रहे वासे चौधरी। दुनिया न्यूज़ और मुज़ाकरात को देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज इससे पहले कि आप लोग कोई और बात करें, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस रिसिपियंट्स का नाम अनाउंस किए और उसके अंदर हमारे इफ्तिखार ठाकुर साहब को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है। और बावजूद इसके कि अब आप एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं, आप मेरे कपड़ों के साथ वो कर सकते हैं जो आप करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आप पे सारे कपड़े जचते हैं, लेकिन आज के कपड़े लग रहा है बैंड मास्टर है। लेकिन तुहानू माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलिया, क्या बात, तुहानू तो चाह का कप भी दे देंगे, तुम खुश हो जाना सी। कादा दे रहे ने तू, ये आग वाले टायर चो नंगे सन, गुल्ली डंडे जो फर्स्ट आए सर। अच्छा जी, अच्छा गुल्ली की जगह हो। वैसे मैं सोच तो रहा हूँ सर, कोई ऐसा काम मैं बेमिसाल मैंने किया तो नहीं है। हाँ। हो सकता है कि ये दुआओं का ही समर हो। बाप बताएं ठाकुर साहब, जब आप जाएंगे और वो वक्त आएगा 23 मार्च को जब आप अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपकी हंसी नहीं निकलेगी? वासे भाई इन्हों की हंसी नहीं, सदर साहब की निकलनी, वो मैनू दे रहे। अकरम साहब जो भी है माशाल्लाह, ठाकुर साहब ने साढ़े सामने तो बड़ा काम किया। अच्छा जी, माशाल्लाह बर्तन भी धोते रहे, जुतियां भी पॉलिश करते रहे, बड़ा काम किया माशाल्लाह, मैं मिलना चाहिए था इधर। बड़ी गल है सर, एक गल कर रहे ने बगैर देखे, हालांकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाभी ने इससे कहा कि चलो चाय बनाओ, अब वो कहना है इतनी रोब डाल रही हो मुझ पर, मैं आज जा रहा हूँ वकील के पास, तुमसे मैं छुटकारा हासिल करके रहूंगा। 5 मिनट बाद आए तो चाय बनाने लग पे। भाभी ने कहा तुम तो वकील के पास गए थे, कहना हाँ वो कपड़े धो रहा था। बीजेपी प्रचार शुरू करते हैं अपने आज के मेहमानों को। पाकिस्तानी फिल्म आ रही है शेर दिल 22 मार्च को और उसकी टीम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बुलाएंगे उन साहब को जिन्होंने फिल्म लिखी और प्रोड्यूस की, जनाब मेजर रिटायर्ड नुमान खान। राइटर और प्रोड्यूसर इतने खुश शक्ल हों, उसकी कास्ट कैसी होगी, इसका आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। बुलाते हैं इस फिल्म के लीड को, जो कि इस फिल्म के अंदर आपको एक फाइटर पायलट के रोल के अंदर नजर आएंगे। और ट्रेलर से महसूस हुआ कि बड़ी ही आपस में कुछ एक चपकलिश सी है उन दोनों की आपस में। सबसे पहले बुलाएंगे एक बड़े जबरदस्त एक्टर और बड़े अरसे से आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जनाब हसन नियाजी। देख रहे हैं वो इस बात का अंदाजा कर लें कि बात जो है वो 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच कद से नीचे नहीं जा रही। और इस फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से कास्ट होने के लिए खूबसूरत होना और लंबा लगना दो रिक्वायरमेंट्स थी, तो तीसरे साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर पूरे उतरे हैं। आप सबके बहुत फेवरेट और तकलीफ थे हद तक हसीनो जमील, जनाब मिकाल जुल्फिकार। वैसे तो मेरे जो फेवरेट अदाकार हैं वो हसन नियाजी साहब हैं। अच्छा, लेकिन शेर मैं मिकाल भाई के लिए लाया। अच्छा, क्योंकि इनको मैं बहुत देखता हूँ सर, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। अच्छा, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है,
अजीब शख्स है, मिलता है कुछ नहीं कहता, जवाब सबको मगर हसबे हाल देता है, बराए नाम भी जिसको वफा नहीं आती, वो सबको अपनी वफा की मिसाल देता है। वाह माशाल्लाह, जिन्ने प्यारे गेस्ट ने जी, मेरा शेर बंदा तो नहीं। आप बताइए। ऐसी लगी इश्क बीमारी, देख के हंसे दुनिया सारी। ऐसी लगी इश्क बीमारी, देख के हंसे दुनिया सारी, पिछली उम्रे शादी हुई, बेगम मिली बुलडोजर तो भारी। मेरे साहब सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कहाँ फौज और कहाँ फिल्म, ये क्या हुआ? जिस वक्त मैं पाकिस्तान आर्मी में था, उस वक्त भी ड्रामा क्लब में मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा, और एकेडमी से जो है कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थी जो कि फाइनली मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर करती रहीं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ वो चंद साल नहीं है जो कि मैंने इसको दिए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस सोफे पे जो शख्स बैठा था और यहाँ पे ठाकुर साहब ने उसके साथ सेल्फी भी ली थी, जुनेद जमशेद छुपा बैठा है जी, जी। जिसने जो है इस फिल्म की दागबेल डाली मेरे साथ, और हमने मिल के इस सफ़र को शुरू में पूरा किया, और जुनेद के जाने के बाद जिस तरह मेरे अंदर एक आग लग गई हो, जिस तरह मुझे लगता है कि एक लेगेसी थी जो कि मुझे उसकी पहुँचानी थी, एंड दिस मूवी इज़ इन द नेम ऑफ माई फादर एंड जुनेद जमशेद। सर फिल्म का नाम क्या था? शेर दिल। शेर दिल। फिल्म का नाम है शेर दिल। नाम चीता दिल रख लो, चेहरा तो सख्ती आई अजकल। यार सर ये ना सारी फिल्म कोट लखपत रिलीज करनी पवे। क्या सर तुम तो हर बात को ना किधर ले जाते हो? अल्लाह करे जी फिल्म तुहाडी हिट हो, सुपर हिट हो, साडियां दुआवां ने, नहीं तो रिटायरमेंट के पैसे तो गए ही ने। हसन मुझे ये बताएं, आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल। और आपको अंदाजा तो है ना? मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया हूं। और इन्होंने आपने साथ में टिप्स दिए थे कि कुछ अगर हो तो तुमने बिल्कुल नहीं, मैं इंशाल्लाह स्माइलिंग पर्सनालिटी हूं और हंसता हंसता चला जाऊंगा। हंसता हंसता चला। हां जी ये तो गड्डी से जाके धोखा रोके कि मेरे ना होया कि मैं तो चंगा भला एक्टर आया सी, मैनू कंडक्टर क्यों समझया उन्होंने? ये हमारी फिल्म का भी एक डायलॉग है कि इंसान बाद में ही सोचता है कि मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। आप शो के हवाले से कह रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा चौथा या पांचवा वार है आपके शो पे, और बहुत जल्दी मैं किसी कुर्सी पे बैठने ही वाला हूँ, तो तैयार रहिए। वेरी गुड। लेकिन सर कोशिश कीजिएगा इधर। अच्छा वो बहुत मुश्किल है। मगर नहीं उनका बनता नहीं है उधर, ये तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, तुम्हारा इतने बनता सी। ये भी वैसे एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने मारा है कि ये भी नहीं बनता था। लेकिन मुझे ये बताया वेर साहब, ये क्या आपने कहीं जवानी के जमाने में टॉम क्रूज को देखा हुआ था तो आपने सोचा है करीब तरीन शख्स ढूंढा जाए? जी 1986 में जो है टॉप गन आई थी, और वो तमाम की तमाम लड़कियों के कमरों में उसकी तस्वीर लग गई थी, और टॉम क्रूज इसकी वजह से टॉम क्रूज आज माना जाता है। हाँ जी। और हम जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान की जो हीरो इन्वेंट्री है वो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, और खूबसूरत भी है, लेकिन क्या आप बताइए कि उस इन्वेंट्री में टॉम क्रूज की टक्कर पे क्या निकाल? बहुत बड़ी बात है सर, दिखता है या नहीं? नो डाउट। उनका हुस्न जमाल है उसके तो हम बचपन से जेलस हैं, लेकिन कैसा लगा आपको जहाज के अंदर बैठ के? अमेजिंग। वैसे अगर रोल की बात करें तो ये वो शायद रोल है जो हर एक्टर या हीरो ड्रीम करता है, एक ऐसा रोल जो केटर ही हुआ हो आपके कैरेक्टर के लिए, थ्रू आउट उसकी जर्नी हो, उसमें इमोशंस हो, उसमें रोमांस हो, उसमें पेट्रियटिज्म हो, उसमें फाइटिंग फॉर योर कंट्री हो। और सबसे कमाल चीज़ जो फाइटर पायलट का जो यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल, ये मेरा एक्शन फिगर है। ये आपका एक्शन फिगर है? मेरा ही है, और ये पूरे आउटफिट में है, एंड इट वॉज एन ऑनर। पता है वो वर्दी पहन के ही एक ऑटोमेटिक वो बॉडी में एक वो स्टिफनेस आ जाती थी, एक प्राइड फील होता था, एक ऑनर होता था। कुछ चीज़ें आसान थी, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल भी थी। बहुत चीज़ें स्पेसिफिक रहना था, फाइटर पायलट एयरफोर्स का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक चाल होती है, यू नो हैंड जेस्चर्स जो भी, मतलब ये सारी चीज़ें, तो बहुत मेटिकुलसली उस चीज़ को देखना था, तो बहुत मज़ा भी था, बहुत चैलेंजिंग भी था। और फिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जहाज़ में फ़्लाइट ली
और एक पूरा मिशन मैंने किया पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। अच्छा, को पायलट बन के। मिकाल भाई तो जहाज से बैठे आधे घंटे बाद बाहर आ गए ने, कहते वो नान टिक्की वाला नहीं आ रहा यार। नान टिक्की वाला कहां से? सर वो चढ़ते नहीं होंगे बेचने वाले। यकीन करें कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था उस वक्त। हाँ वैसे उधर तो नहीं करता होगा, कितनी स्पीड पे आप लोग? माशाल्लाह बिल्कुल, वी वर गोइंग ऑलमोस्ट टू मार्क 1.75 व्हिच इज 1500 किलोमीटर एन आवर। 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं? हसन भाई ने पूछा कि तुसी जहाज से क्यों बैठे? कहते जी कितने रास्ते खराब हो गए, मैं धक्का लाना है। पहले मुझे एक मिनट, ये 1500 किलोमीटर वाला मामला सॉल्व कर लो। 1500 किलोमीटर की रफ्तार, 1500 किलोमीटर वी टुक ऑफ और आई थिंक विद इन 1 मिनट 30 सेकंड्स वी वर एट 40,000 फीट। 1 मिनट, एक डेढ़ मिनट में आप जहाज उड़ा और ऊपर किया। मैं तो बस दुआएं कर रहा था कि भाई पहुंच। इन्होंने तो कार वाले भी फोन करता, मैं नहीं आज जाना जे रोटी ना पकाना। नो डाउट ये वैसे नॉट अ जोक, यू नो इट वाज अ लाइफ रिस्किंग जस्ट अ फ्लाइट। और हम समझते हैं हमारे पायलट सिर्फ जंग के हालात में शायद उनकी लाइफ ऑन द लाइन होती है, ऐसा नहीं होता। जब भी ये एक फाइटर जेट में जाते हैं उसमें वेपनरी होती है, मशीन्स होती हैं, कुछ हो सकता है तो उनकी लाइफ ऑन द लाइन होती है। एक इजेक्शन प्रोसेस होता है, उससे बड़ा डर लगता था खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए जहाज को, यू हैव टू इजेक्ट, तो यू नो इट कुड मीन के यू नो यू ब्रेक योर बैक इवन या पैरालाइज हो जाएं उसके बाद। तो बहुत एक रिस्की चीज़ थी और यकीनन जाने से पहले एक दफ़ा मैंने सोचा, आपको पता है हम कितने कॉन्शियस होते हैं वैसे ही, सो ऑब्वियसली यू नो आई वाज स्केयर्ड, लेकिन मुझे पता था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हलाओं में सितारे जागते हैं, मेरी तरह बेचारे जागते हैं, वो जिनकी बीवियां मैं के है जाती, खुशी में वो तो सारे जागते हैं, कि जब होती है घर में पार्टी तब पड़ोसी भी हमारे जागते हैं। रेडी स्टडी गो। तो आज फिल्म आ रही? हाँ जी। किन्हों फिल्म पाई जे इस बार? और बैठे ने मेजर साहब। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हसन ये बताएं, आप भी इसके अंदर फाइटर पायलट हैं, लेकिन आप फाइटर पायलट बने हुए हैं इंडियन आई थिंक। जी माशाल्लाह, हाइट कितनी आपकी? 6'1"। आप 6? आई एम आल्सो 6'1". 6'1" हैं आप भी। इतने लंबे लंबे लड़के पूरे आ जाते हैं जहाज के अंदर? जी आ ही गए एक्चुअली। मतलब तो क्या घुटनों में दर्द शुरू हुई कोई? बैठने में और एग्जिट में मसला होता था कि कोई बटन ना दब जाए, चल ही ना जाए जहाज, उठ ही ना जाए जहाज। मेजर साहब सारे लंबे मुंडे काश कि फिल्म उठाने देखनी। देखे उनकी फिजिक्स देखे आप, वो दोनों जिम जाने वाले लड़के हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है मुझे लगा। किस चीज़? मैं अपने पुराने जिम छोड़ के उधर हैं, बड़ी मेहनत की थी। मुझे यही शक है, वैसे जहां मैं बैठा हूं मुझे यहां पे इनकी सीट के नीचे भी दो गद्दियां नजर आ रही हैं। और तुसी सोचा ना कि वापसी तो मैं लेके जावांगा। यहाँ पे खवातीन बैठी हुई है, उनसे पूछ रहे थे आप मुझे बताएं कि फाइटर पायलट के रोल के अंदर आप क्या इनको देखना चाहेंगे या इनको देखना चाहेंगे? मिकाल देखना, मिकाल अच्छा लगेगा ना, एक JF-17 में से निकलता हुआ। मतलब आप सोचे आप ऐसे अंकल अगर निकल रहे हो और ये हेलमेट उतारे और नीचे भी हेलमेट ही हो। लेकिन असी सच्चे पाकिस्तानी, तुझे सानू न्यू खामे दियो असी वो भी उड़ा देंगे। यही अप्रोच है जिसकी वजह से उन्होंने कास्टिंग ऐसी की थी। मगर इसके अलावा सर खवातीन भी हैं फिल्म के अंदर? जी बिल्कुल। और वो भी क्या 6'2" 6'1" हाइट की हैं? नहीं, हमने वहाँ पे इसको बैलेंस करने की कोशिश। अच्छा, ये आपने अच्छा किया। तो खवातीन कौन सी हैं इसके अंदर? अर्मीना राणा खान। अर्मीना है, अच्छा जी। और उसके साथ साथ सबीका इमाम है। सबीका इमाम भी है। ये दो लड़के आपके सामने मौजूद हैं। तो कुड़ियां क्यों नहीं आई जहाज लाके खलोती हैं? देखें फिर आपकी कुर्सियों पे वो बैठी होती है इस वक्त। कोई गल नहीं, तुसी ले आओ, सी उठ जाने। नहीं मगर वैसे वो कहाँ है खवातीन? अर्मीना इस वक्त जो है इंग्लैंड में है और इस वक्त सबीका एक कराची में फैशन शो हो रहा है उसमें जो है इन्वॉल्व है, सो इस वजह से वो नहीं आई, लेकिन हमारे वो कराची में ज्वाइन करेंगी। वो अब कराची में ज्वाइन करेंगी, यानी कि ये सिर्फ हमारे साथ होनी थी। जी लेकिन देखो ना तुसी माशाल्लाह, हुसन बैठा सानू कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, और नाल हसन भाई भी, कि उन्होंने नजर ना लगे। यार हसन भाई मेरे भरा समझ गए, समझ गए, रम समझ गए, मेरी कास्टिंग की वजह यही है भाई नू नजर ना लगे।
Good, how are you? You know, last night my mama was calling me. Okay. And she was very upset. Really? She said, मैंने इन्ना ट्रंप ने अपसेट नहीं किया जिन्ना तू मैनू डिसाइड किया बाय कहंदी है मैं समझे तू उठे जाके सिंगर बनेगा एक्टर बनेगा उठे जाके तू टॉम क्रूज बनेगा ते तू कख भी नहीं किया अच्छा आई सेड मामा मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है थे मैं ते जेरी फिल्म दा भी बैकग्राउंड म्यूजिक दिता उन्ने को मैनू टका नहीं दिता बनता भी नहीं था सो कुड यू प्लीज एक कहानी सुनान दा मकसद ते तुसी समझ गए हो कि मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है इसमें यू नो आई एम पेनीलेस आई एम आल्सो पेनीलेस तुसी हमेशा यही कह मेहमाना को मांग लो उन्हां दे अपने फेस मंगण वाले अबे हमारे पास हीरोज बैठे हुए हैं आई एम सॉरी अबे जदों आएगा नहीं 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 वो वाले नहीं है एक ही कर ले एक्टर्स हैं भाई इनकी फिल्म आ रही है दिस गाय लुक्स लाइक एक्टर ऐ ते उल्ले वाले पते लगते नहीं किसे म्यूजिक दा कोई गिटारिस्ट ने मेन गिटारिस्ट नहीं नहीं म्यूजिक गिटारिस्ट नहीं है वो हीरो है वो हीरो लगते ने वो वाले हीरो लग रहे हैं उन्होंने फीचर बड़े अच्छे ने ग्रेगरी पैक लगते हो कौन से पैक ग्रेगरी पैक ग्रेगरी पैक अच्छा ग्रेगरी कॉनरी जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड भी लगते हैं सुन आपको इसने अखां वाले मुंडे जेम्स बॉन्ड बंदे ने बड़े हो गए अच्छा इन्होंने खरे बड़े भी होना के नहीं इससे ज्यादा तो ना ही हो तो बेहतर है दिस इज गुड गाय माशाल्लाह दोनों ओके लेट मी ट्राई तुम्हारी फिल्म आ रही हां हो जी ਕਿਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਾਈ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੁਮੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਟੋਪੀ ਟੋਪੀ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜੇ ਹੋਰ ਲਾਓ ਸਦਕਾ ਖਰਾਕ ਹਲੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਨੂ ਉਸ ਮੂਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੂ ਮਾਨ ਦਿਓ Let me dedicate you one song. Oh, please. Jadon ni koi pyar karan di kise nu hami parda khabre dil kyon darda khabre dil kyon darda jadon ni koi pyar karan di kise nu hami सारे पैसे हम पूरे कर चुके हैं आपके किसी काम की नहीं यस रख लो तुसी चलेगी फिल्म चलेगी मेरा ख्याल से आप थोड़ा सा अपने म्यूजिक पे अगर थोड़ा सा जरा आवाज पे और स्टाइल ऑफ सिंगिंग पे फोकस करें तो शायद नहीं आई डोंट नीड मनी ओके ओके इफ यू गिव मी अ टाइम ओके ते तुसी मैनू कोई सिखाओ क्योंकि तुहाडा जेड़ा फेस है ना म्यूजिकल फेस म्यूजिकल फेस हां जी एक गिटार भी प्ले करते होने ना मैनू शक है अच्छा वाकई मिकाल आपको गाना सुना भी सकते हैं दिस गाय यस दिस गाय कैन सिंग तेरी मेरी यारियां बढ़ जाने दे प्यार की खुमारियां हौले हौले दिल वाली बातें तुझे बोलूं हौले हौले तू भी बता दूरो दूरो प्यार वाली गला सकी दिया हौले हौले नेड़े for your film thank you so much adi film it jayega thank you thank you sir thank you very much aur paise jitne bhi dua de rahe hain main acha acha chal because this is pakistani film thank you have a nice time oh leonardo dicaprio acha वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मिकाल फिल्म के अंदर कोई गाने वाना भी है जी हाँ तीन गाने हैं एक लव सॉन्ग है एक अच्छा। शादी सॉन्ग है और एक क्लब सॉन्ग है
एक लव सॉन्ग है, एक शादी सॉन्ग है और एक क्लब सॉन्ग है। क्लब सॉन्ग है और ये और एक पेट्रियोट सॉन्ग है जो सिचुएशनल है। वो तो खैर जब आप जहाज के अंदर होंगे तब आएगा ना, बिल्डअप है कैडेट कॉलेज जो होता है। मगर ये जो आपका रोमांटिक गाना है और ये जो आपका शादी का गाना है, ये इनके साथ तो नहीं होगा गालिबन? रोमांटिक गाना मेरा और अरमीना का है, इनका क्लब नंबर है। अच्छा, क्लब में ये पाए जाएंगे? और जो शादी नंबर है उसमें जो हमारे पता नहीं किसका है यार। अच्छा, क्या मतलब वो नहीं, अगर मेजर साहब आपको अभी तक नहीं पता चला है किसका है तो अब चांस कम ही है कि पता चले। ये आप शो पहले रिलीज कर देंगे, हाँ, फिल्म आएगी बाद में और पता नहीं शादी किसकी किससे होने जा रही है। अच्छा, ये भी यानी कि एक बीच में जी, ये क्या कुछ क्या लव ट्रायंगल टाइप चीज है? जी बिल्कुल, लव ट्रायंगल है। ऐसे तो किसी जो है हीरो को आसानी से लव ट्रायंगल, क्या ये हसन मिकाल और अरमीना के दरमियान होगा या मिकाल अरमीना और सबीका के दरमियान होगा? क्या कोई चौथा लड़का नहीं आ सकता? अगर आप अपने आप को लड़का समझ के लिख बैठे हैं तो लव ट्रायंगल भी आपने बीच में रखा जी, जी, आपको इस फिल्म में जो है लव ट्रायंगल भी मिलेगा, आपको इसके बीच में फिस्ट फाइट भी मिलेगी, आपको इसमें क्लब डांसेस भी मिलेंगे, आपको इसके बीच में एक्शन भी मिलेगा और आपको इसमें पेट्रियटिज्म भी मिलेगा। आप देखने जाएंगे हिबा? लाजमी क्यों, कोई खास वजह बताइए मुझे, अदर देन के पेट्रियोटिक फिल्म है और टाइमिंग इसकी बड़ी एक यूनिक है। की वजह से क्योंकि बचपन से मुझे क्रश रहा है इन पे। जिनी तेरी उम्र है ना, मैं तेरा शनाख की तरह वेख्या, उत्थे तेरी दाढ़ी सी। मुझे बताइए, बड़ा आपने अच्छा और यूनिक पॉइंट उठाया कि पहली आपके जहन में मिकाल की क्या याद है, कहाँ आपने देखा? जब से होश संभाली है तो शुरू से ही इनको होश तो इंसान 3-1 साल की उम्र में संभालता है। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर लड़कियों को क्रश होता है तो वो मिकाल पे ही होता है। नहीं नहीं, वो तो लड़कियों को तो होता है, लेकिन आप मुझे बताएं आपको पहले मिकाल देखे। मुझे कुछ भी एक्सपोज करने से पहले ये याद रखिएगा, हम उम्र है नहीं, लेकिन हम यकीनन हम उम्र हैं, लेकिन मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो जिसके बारे में कहे मैं पहले उसकी किश्ती डुबाऊंगा। तो आप बताएं पहले आपको कहां याद है मिकाल? 14-15 इयर्स की थी मैं जब मैंने इनको देखा था टीवी। 14-15 साल की आप थी जब आपने इनको देखा? और ये क्या इनका वो कोई गाना तो नहीं था सानू तेरे नाल, या क्या कोई शूट वगैरह था? वो इसी तरह से टीवी में देखा था बस, और यानी देखते ही अच्छे लगे। अच्छा, देखते ही अच्छे लगने लगे, मतलब ये कैसे होता है मिकाल? ये क्वालिटी है भाई में, नहीं है भाई क्वालिटी है तो भाई दूसरों से मरे शेयर कर लेना, कैसे लगता है आपको? ऐसी चीजें शेयर नहीं की जा। लेकिन मैं हसन भाई का फैन है यकीन करो। अच्छा, एनक वाला जेंच बिल्ब तोड़ी का रोल इन्होंने किया सी ना। फिजिकली एग्जर्शन बहुत करनी पड़ती थी, चाहे वो छोटी सी चीज है कि जहाज तक भाग के जाना है मे बी, जहाँ बैंड बैठे सिर्फ इतना है, लेकिन यू नो हमारा प्रोसीजर ऐसे होता है 20-30 दफा आपको करना पड़ता है ये एक चीज। जहाज बड़ी टाइट, यू नो बहुत टाइट स्पेस होती है, बाहर से तो बहुत वो फैसिनेट करता है लेकिन अंदर से इट्स वेरी टाइट स्पेस, इट्स वेरी टाइट स्पेस। और उसमें आपने घुसना तो बड़े एक्शन में होता है तेजी में, लेकिन वो घुसते घुसते ये घुटना वुटना ये वो तो कोई लगे घुटने बहुत टकने लगे आप लोगों के। मुझे एक हमारा वो जो फाइट सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो हमारे साथ जो फाइट जो दूसरे स्टंट के लोग थे वो ब्लैक बेल्ट कराटे के लोग थे, तो उनको आदत थी कॉन्टैक्ट करने की, नॉट मिस करें। तो वो दूसरा ही शॉट हो रहा था फाइट सीक्वेंस का, तो भाई ने ऐसा घुमाया और यहाँ मुझे फुल ब्लो, एक ब्लैक बेल्ट कराटे का तगड़ा बंदा आप सोचे, उसने पंच घुमाया और मुझे यहाँ लगा ऑन द टेम्पल। एक सेकंड के लिए मेरी आंखें बंद हुई और एक वो फ्लैश, यू नो वो तारे जिसको कहते हैं, अच्छा नजर आ गए, तो एक फ्लैश आया और मैं आई जस्ट स्टूड स्टिल, उसने भी मुझे पकड़ लिया, सॉरी सॉरी करता रहा कि सॉरी सॉरी, मैंने कहा क्या सॉरी कर रहा है। ये सारे भी परेशान हो गए, वो जो हीरो को लगी, हीरो को लगी तुझे क्या उन्हें लगी तो नहीं, मैं तो मुंह ना रोकी है। अच्छा,
ये तो इंडिया का yes! मेरी जान निकल गई। इंडिया से फोन आ रहा है? इंडिया तो कॉल आ गई आजकल के दिनों में। यस सर। क्या हुआ? लेकिन मैं करके चुके मैं के हो सकता है दीपी का पैडो कौन ना हो। इतने तुम लकी। मैं कह रणवीर नाल हो सकता लड़ाई हो गई होवे। अच्छा। सड़कों पे फिर रही होवे। अच्छा। अफजल और निर्गोली याद आया फोन करके चुके दैट वाज मोदी नरेंद्र मोदी उन्होंने आपको कॉल किया? यस मैंने विस्पर च कहंदा मिस्टर निर्गोली आई लाइक टू सी यू। ओ माय गॉड बिल्कुल आहिस्ता आवाज डरे हुए सी। अच्छा मैं क्या व्हाई डू यू डज टू मी कॉल आपने मुझे क्यों कॉल किया? हां मैनु कहंदा मैं तेरे नाल एक गल करना चाहना बहुत ही सीक्रेट। अच्छा मैं कहते किस तरह मुलाकात होएगी? मैनु कहंदा कम टू द वाघा बॉर्डर। ओके राती आज शाम मैं उठो निकले हैं। ठीक है वो जीरो ग्राउंड दे तार लगी हुई सी। हां मैं इधर खलोता ते इधर मोदी साहब। अच्छा हां चुन्नी नाल मुंह लपेटया होया इधर क्यों ऐं खलोता है? अच्छा मैं कहे व्हाट हैपेंड? हां मैनु कहंदा आई नीड करो। मैं कहे खोल के गल करो। नरेंद्र मोदी को कव्वा चाहिए? ओ मैं क्या सर तुसी की करना है कां? हाँ कहंदा है मैं उधर जाके तो उन्हें सुटांगा तो मुल्क की थरथली पै जाएगी। मैंने कहंदा है तुसी साडे जहाज सुट सकते हो मैं थोड़ा कां नहीं सुट सकता। मेरी सजी अखे करके देन लग्या मैं कां दे कंद विच किया के? मैं के जे तू आप वापस ना आए हाँ। तो हम तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर लेंगे। ठीक है और अगर तुम बच के वापस आ गए हाँ। तो तुम हमारे अभिनंदन हो। ओ, ओ, लियोनार्डो डी कैप्रियो। ओए होए अच्छा भाई साडे मुल्क दे लियोनार्डो डी कैप्रियो ते ए ही ने सर ऐसी ऐसी फिल्म दित्ती है ऐसी ऐसी फिल्म पाउंदे ने बड़ा मैं फैन है ना। अच्छा मैं कहना कमाल ओ लो अताउल्लाह खान नियाजी साहब तो बात हाँ। अगर मैं किसी बंदे का फैन होया हाँ। तो दैट इज हसन नियाजी। रियली ऐसे फनकार होए ने हाँ। मालक फिल्म देखी सी हाँ। फट्टे इन्होंने चुक दिते ओए होए बर्फ वाले। मैं कहना स्क्रीन ते हसन साहब एडे तुसी सोहने लगे हो वैसे तो चलो जो भी है यार इनकी फिल्म आ रही है शेर दे लबी ओदा मैं टेलर मास्टर देखे है। टेलर मास्टर टेलर। नहीं ट्रेलर हां वो मैं देखे है हां तो और जा सटन जा रहे हो सूट आए ने उन्होंने फिल्म करके आए ने ऐसे अल्लाह दे मेहरबान देख लो सब कुछ जता ये इन साहब ने लिखा है। किन साहब ने? नुमान साहब ने। ओ कौन ने? प्रोड्यूसर है और राइटर है फिल्म के। दिस गाय? यस दिस गाय। यार इन्होंने मैं जानना इन्होंने जुनेद जमशेद साहब का गाना बनाया सी दैट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने उदो शक हो गया सी कि ये बंदा बड़ा होके कुछ करेगा। अच्छा ये हुन बड़े हो गए ते अपना कहना ही है बा सेल्फी प्लीज सर ऑफ कोर्स इधर मुंह में इधर कर तुसी बनाओ जी वेलकम आए आप बैठे नहीं 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 इस तरह बनाओ ना कि हसन साहब विच ना हो भाई कमाल। थैंक यू सर जी ने फिल्म बनाई है तुहाडे नाल फोटो होनी चाहिए। आपने भी अपने कमरे में एक तस्वीर फ्रेम करा के लगानी है वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और मुबशर लुकमान। मैं कमरा छोड़ दूंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो आपसे आगाज करते हैं नुमान साहब जी बिल्कुल ये बताइए अपनी अगली फिल्म में इनमें से किसको हीरोइन रखना चाहेंगे सबा कमर माहिरा खान या महविश हयात? महविश हयात विल बी अ गुड। मेरा सूट भी वही कर दी है। सर ये बताइए अगर ना चाहते हुए भी किसी की तस्वीर अपने कमरे में फ्रेम करा के आपको लगानी पड़े तो इनमें से वो किसकी होगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबीका इमाम और अरमीना राणा खान। सबीका जो है आपने आजकल पूरे लाहौर में जो है उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं मेरे कमरे में भी अच्छे लगेंगे। अच्छा नहीं मजे की बात है कि हम लोग ऐसी चीजें नहीं देखते मगर आपकी अपनी चॉइस है। तो ठीक है मेरे साहब की चॉइस है वो सबीका को अपने कमरे में देखना चाहते हैं तस्वीर के ऊपर
आइए हसन, आप बताइए जरा, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मेरे दोस्त जुनेद खान, सैयद जिब्रान और इमरान अशरफ। सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। मेजर साहब, प्रोग्राम तो घर जाके दुकान भी खोलनी है। तो बताइए सर, कौन है जिसका फोन फौरन उठाएंगे? सैयद जिब्रान। सैयद जिब्रान, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? जुनेद खान। जुनेद खान, और किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? बताइए क्या नाम था? आपको नाम ही नहीं याद? मैं भूल गया ना अभी, क्योंकि मैं अपना एक आंसर दे रहा था। इमरान अशरफ एक एक्टर होते हैं। हाँ, मैं उससे वैसे मिल के बात कर लूंगा। इमरान अशरफ साहब, आप हैं वो जिनका फोन कभी आया तो ये फोन बंद करके साइड पे रख देंगे, इनकी मर्जी है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। आपने भी अपने कमरे में एक तस्वीर फ्रेम करा के लगानी है, वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और मुबशर लुकमान। मैं कमरा छोड़ दूंगा। यही तो हुस्न है कि आपको एक का नाम लेना है। मैं आमिर लियाकत साहब की तस्वीर लगा दूंगा ताकि वो कमरा हमेशा खाली रहे। आमिर लियाकत साहब आपकी तस्वीर फ्रेम करा के हसन नियाज़ी अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं ताकि रोज उठें तो आपको हंसता मुस्कुराता देखें। इनकी अपनी हंसी के साथ क्या होगा ये इनको फैसला करना है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है सबा कमर और माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान, बहुत सारी तालियां इनके लिए भी। निकाल भाई बता दीजिए कि आप जा रहे हैं अवार्ड शो पे, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, चार सीटें हैं, बाकी कौन होंगे वो चार जो कि आपके साथ जाएंगे आपकी गाड़ी के अंदर? ऑप्शंस आपके पास हैं अली जफर, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। हमजा अब्बासी को निकाल के बाकी चारों। हमजा अब्बासी, आप इनकी गाड़ी में नहीं हो सकते, उसके अलावा चारों लोग जाएंगे। हमजा अब्बासी, आपको फिल्म परवाज़ जुनून नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ तो जहाज ही जहाज से टकरा गया। इनमें से किसके साथ एक साल में काम, किसके साथ दो साल में, और किसके साथ ना भी हो तो खैर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बता दीजिए कौन है वो? माहिरा खान, सना जावेद और महविश हयात। तो किसके साथ एक साल में? महविश के साथ एक साल में काम करना चाहते हैं। दो साल में सना और मायरा काम नहीं करती मेरे साथ अब तो। पहले कर चुकी हुई हैं। पहले कर चुकी हैं। तो अब क्यों आपने ऐसा किया कि वो नहीं करना चाहती? पता नहीं, उनका अपना एक मेरे ख्याल से वो ग्रुप बना हुआ है, उससे बाहर नहीं निकलती। मायरा खान, आपका एक अपना ग्रुप बन चुका हुआ है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाती और इस वजह से आप इनके साथ काम नहीं कर रही, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं भी नहीं करूंगा। अगर ये किया गया है मायरा खान कि मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ना ही मिकाल नहीं, मेरी दोस्त है वो, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती, उसको मसला है, मुझे तो नहीं। मायरा खान, आपके अंदर कोई मसला है वो कह रहे हैं जिसकी वजह से आप इनके साथ काम नहीं करना चाहती? ना सिर्फ ये कि आप मिकाल के साथ काम नहीं करना चाहती, आप मिकाल के 300 रुपए वाले इजी लोड वाले वर्जन के साथ भी काम नहीं करना। चेयरलिफ्ट दो पहाड़ों के दरमियान में फंसे, F-16 नहीं हो सकता जिसकी दो सीटें हो। F-16 दो पहाड़ों के दरमियान में कैसे फंसेगा? नहीं नहीं, आप चेयरलिफ्ट पे आए ना, जरा दो पहाड़ों के दरमियान में फंस गई है, 7 से 8 घंटे चेयरलिफ्ट नहीं हिलनी। किसको अपने साथ इस चेयरलिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। आई थिंक शीरी मजारी, शी वुड बी अ लॉट मोर फन। टाइटैनिक पे जाने का वक्त आ गया, दो VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब कायम अली शाह। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आपके, माशाल्लाह दोनों ही। मैं कहीं तो अपनी खिंच निकालूंगा। राणा साहब इज एंटरटेनिंग आई थिंक। राणा साहब जो हैं उनको उन्होंने चूज किया क्योंकि इनके ख्याल में राणा साहब इनको कंपनी देंगे, और कसम उठवा ले मुझसे कि मैं उस टाइटैनिक को देखना चाहता हूं जिसके अंदर मिकाल, जुल्फिकार और राणा सनाउल्लाह ऐसे करें खड़े आगे। बट मिकाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द फिल्म शेरदिल। आप सबने शेरदिल 22 मार्च को सिनेमाघरों में लग रही है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। आई होप यू गाइस एंजॉय।